हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बालों को काला, घना, लंबा और मजबूत करने का मैजिकल हेयर फॉर्मूला। अगर आप भी अपने बालों को ब्लैक, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और लॉन्ग करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इससे पहले मैंने होममेड हर्बल शैम्पू और सीक्रेट हेयर ऑयल की वीडियोस चैनल पर शेयर की हुई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो बालों को काला, घना, लंबा और मजबूत करने का मैजिकल हेयर फॉर्मूला जानने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैजिकल हेयर स्प्रे, जिसे यूज़ करके आप अपने बालों को काला, घना, लंबा और मजबूत बना सकते हैं। हेयर स्प्रे बनाने के लिए हमें सबसे पहले यूज़ करना है एलोवेरा। एलोवेरा बालों को जरूरी पोषण प्रदान करने का काम करता है, साथ ही यह स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर बालों को मजबूत बनाने का काम करता है। एलोवेरा जेल में प्रोटियोलिटिक एंजाइम मौजूद होता है जो हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है। एलोवेरा जेल में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जिस वजह से डैंड्रफ को कम करने में मदद मिलती है। एलोवेरा जेल में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज सिर की खुजली को भी बहुत हद तक कम कर देती है। एलोवेरा में काफ़ी मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन B12 पाया जाता है, जो बालों को लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट हम यूज़ करने वाले हैं करी पत्ता, यानी कि करी लीव्स। करी पत्ता को मीठी नीम के नाम से भी जाना जाता है। करी पत्ता में प्रोटीन और आयरन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन और आयरन दोनों ही बालों के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ये बालों को जड़ों से मजबूत कर उन्हें बढ़ने में मदद करते हैं। प्रोटीन कमज़ोर बालों की जड़ों में पोषण देता है, जिससे बाल लंबे और मजबूत होते हैं। साथ ही प्रोटीन युक्त करी पत्ते का उपयोग बालों का झड़ना भी कम करता है। करी पत्ते में बहुत से औषधीय गुण पाए जाते हैं। ये औषधीय गुण बालों को सफ़ेद होने से रोकता है, जिससे बालों को उनका नेचुरल कलर फिर से मिल जाता है। करी पत्ते में एंटीफंगल गुण होते हैं, जो डैंड्रफ और रूखेपन से बालों को बचाता है। हेयर स्प्रे बनाने के लिए सबसे पहले हम एलोवेरा लेंगे। एलोवेरा को कट कर देंगे। कट करके इसको इस तरीके से रखेंगे कि इसका जो येलो कलर का पार्ट जो है, येलो कलर का जेल जो है, वो इसमें से निकल जाए। ये येलो कलर का जेल जो होता है वो बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसे हम इस तरीके से रख कर निकाल देंगे। उसके बाद में हम एलोवेरा को अच्छे से वॉश कर लेंगे। आप चाहे तो वॉश करने से पहले ही एलोवेरा पर जो ये कांटे होते हैं उन्हें कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इन्हें वॉश करने के बाद में चाकू की सहायता से कांटों को अलग किया है। एलोवेरा न केवल बालों के लिए बल्कि स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। एलोवेरा बालों को सॉफ्ट, स्मूथ, सिल्की बनाने के साथ साथ बालों को काला, घना, लंबा भी बनाता है। और यही एलोवेरा स्किन से जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक कम करता है, जिसे आप आसानी से अपने घर की छत या बालकनी में गमले में उगा सकते हैं। और जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो तो अपनी स्किन और हेयर के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एलोवेरा का जितना भी जेल है उसे चाकू और स्पून की सहायता से एक बाउल में निकाल लिया है। अब करी लीव्स को भी पानी से अच्छे से वॉश कर देंगे, जिससे उस पर लगी हुई सारी डस्ट अच्छे से क्लीन हो जाए। करी लीव यानी कि मीठी नीम बालों को नेचुरली ब्लैक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। बालों को काला, घना, लंबा रखने के लिए आप इसे अपने खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक ब्लेंडर लेंगे, उसमें वॉश किया हुआ करी पत्ता और एलोवेरा का जेल मिलाएंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये हमारा करी पत्ता और एलोवेरा का जेल जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इन्हें एक बाउल में एक छन्नी की सहायता से अच्छे से छान लेंगे।
ये सीरम जो है वो बालों के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इसके रिजल्ट भी काफी अच्छे हैं। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि इसे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया है। ये सफेद हो चुके बालों को जड़ों से काला बनाता है, बालों की जड़ों को स्ट्रॉन्ग करता है, बालों को लंबा और घना बनाता है। तो ये हमारा मैजिकल हेयर स्प्रे रेडी हो चुका है। इसे मैंने एक स्प्रे बॉटल में स्टोर करके रख लिया है। आप इसे जैसे चाहे वैसे स्टोर करके रख सकते हैं। स्प्रे बॉटल से इसे बालों में लगाना इजी होता है, इसीलिए मैंने स्प्रे बॉटल में इसे लिया है। आप चाहे तो इसे किसी भी प्लास्टिक की बॉटल में ले सकते हैं। इसे अपनी उंगलियों की सहायता से या कॉटन की हेल्प से आप इसे अपने स्कैल्प पर लगा सकते हैं। ये हेयर सीरम बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ये आपके बालों को काला, घना, लंबा बनाने के साथ साथ डैंड्रफ की प्रॉब्लम को भी काफ़ी हद तक कम करता है। इस हेयर सीरम को बनाना काफ़ी आसान है। करी पत्ता और एलोवेरा को इस्तेमाल करके इसे आसानी से आप अपने घर पर बना सकते हैं। जब भी हमें हमारे बालों को वॉश करना होगा तो बालों को वॉश करने के आधा घंटा पहले इस स्प्रे को हमें अपने बालों पर अप्लाई करना है और इसे अप्लाई करने के बाद बालों में अच्छी तरह से मसाज करनी है। इस मैजिकल हेयर स्प्रे को बालों की जड़ों में बहुत ही अच्छी तरह से सभी तरफ लगाना है और उसके बाद में उंगलियों की सहायता से हल्के हल्के हाथों से अपने बालों की मसाज करनी है। मसाज करने के बाद में आधे घंटे तक बालों को ऐसे ही छोड़ देना है और उसके बाद में बालों को अच्छे से वॉश करना है। इस मैजिकल हेयर स्प्रे का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। आप इसे यूज़ करके देखिए। इससे बाल काले, घने, लंबे और मजबूत हो जाते हैं। इससे पहले मैंने होममेड हर्बल शैम्पू और सीक्रेट हेयर ऑयल की वीडियो चैनल पर शेयर की हुई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।